भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव ने लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। जय श्रीराम और बीजेपी के नारों की गूंज के बीच उनका भव्य जुलूस यादगार बन गया। चिलचिलाती धूप में भी बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा उत्साह से नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। उन्होंने कहा कि लखनऊ लोकसभा सीट पर इस बार रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक ही नारा है, अब की बार 400 पार, इस बार फिर मोदी सरकार। योगी मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। हम लखनऊ के कार्यकर्ताओं ने, जहां पूरे देश में 400 पार का नारा गूंज रहा है, हम लखनऊ के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने इस लखनऊ में विकास की गंगा बहाकर लखनऊ के विकास को पंख लगा दिए हैं, आज लखनऊ टर्मिनल 3 वाला लखनऊ हो गया है। लखनऊ में आपको बता दें कि नामांकन के बाद ओपी श्रीवास्तव ने क्षेत्र के तमाम वार्डों मोहल्लों का भ्रमण किया। इस दौरान जगह जगह उनके जोरदार स्वागत का सिलसिला चलता रहा। कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान ओपी श्रीवास्तव के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, लखनऊ मेयर सुषमा खरगवाल, लोकसभा चुनाव संयोजक MLC मुकेश शर्मा, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।